आपने कहा कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने देश को विकसित कर सकते हैं, तो सर प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके पास माँ बाप है उसके पास सब कुछ है। और माँ बाप से पहले संस्कार, फिर उसके बाद पूजा, विद्यालय में आके व्यक्ति अपनी संस्कृति ग्रहण करता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। तो माँ बाप ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को अपने बच्चों को जो संस्कार दे वही देश हित के लिए आगे बढ़ सकता है। और माँ बाप के बिना बच्चा अधूरा होता है, लेकिन व्यक्ति जो भी है माँ बाप की वजह से, यानी कि माँ और पिता से बढ़ के, बिल्कुल सही और बहुत ही सटीक इनका जवाब था कि माँ बाप से बड़ा शिक्षा का मंदिर कोई नहीं होता है। और संस्कारों की अभिभूति भी संस्कार घरों से आते हैं और माँ बाप से आते हैं, कि जब माँ बाप का आंचल एक छत छाया होती है तो उस समय सारी धन संपदा कुछ नहीं होती। और अगर वो माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाए, अगर वो माँ का हाथ निकल जाए, वो पिता की छाया निकल जाए, तो माँ बाप का दर्द क्या होता है, माँ की ममता किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, अक्सर उन बच्चों से पूछा जा सकता है, उन बच्चों की आंखों में देखा जा सकता है जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते। जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाएं। जी, आजकल सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता भारत से चल रहा है। जी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा रहता है। जी, तो हम उसको उठाने का कष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी इम्प्लॉयज हैं, इन्हें साफ करने के लिए हम ऐसी भावना मन में रखते हैं। तो मैं अपने सहपाठियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर गंदगी दिखे वहाँ पर उठा सकते हैं हम। तो इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री टू स्टॉप द यूज ऑफ पॉलीथीन, और वी कैन से टू अवॉइड द यूज ऑफ पॉलीथीन, एंड ऑल्सो शुड बी स्टार्ट द यूज ऑफ जूट बैग to make the environment safe and healthy as well as in pure, and it cannot be happen without determined. So in my view also should be determined that we doesn't use the polythene in our future to make the environment safe and pure. So also nothing can be done without determined, also should be determined to participate this Mohim Swachhata Abhiyan. जोरदार तालियां इस हिंदी के, अंग्रेजी के, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए। कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता,